लॉकडाउन में फंसे हुए श्रमिक अब अपने घर लौटने के लिए बेताब हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने से लोग पैदल ही अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिसकी कुछ दुखद तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कन्नौज में हरदोई के 60 वर्षीय प्रवासी बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि 14 मई को महाराष्ट्र से ट्रक पर सवार होकर वो निकले, जब से उन्होंने कहीं भरपेट खाना नहीं खाया। इसकी सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया है। ये जो मुंबई से चले हैं ना, मतलब ट्रक से आए हैं भूखे प्यासे, हैं फिर यहाँ उतरे हैं, उतरने के बाद पैदल चल रहे थे भूख प्यास से, मतलब ये मतलब तड़प तड़प के मतलब ऐसा हो गया इनका। रास्ते में कुछ खाने पीने को नहीं मिला, खाने पीने को तो सब बंद ही है अभी चल रहा है, तो क्या खाने पीने को मिलेगा। तो इनके जो साथी उन्होंने बताया क्या आपको? हाँ जी, तो मतलब वो साथी लोग भी भूखे प्यासे मतलब तड़प तड़प के गए हैं वो लोग। क्या मिला रास्ते में खाने को? इनको कुछ नहीं मिला, ऐसे पानी पीते बिस्किट आए खा पी के, मतलब ऐसे जीते आए। अच्छा, क्या पता चल रहा ये यहाँ पे क्यों रुके थे, क्या पता चला? ये पता ऐसे चल गया कि वो जो बैग उनका वहाँ एक ठेली के बाजू के पास में रख दिया, ठेली के पास में, और फिर यहाँ जी वापस आए हैं। इन्होंने लास्ट खाना क्या तारीख को खाया? लास्ट क्या हुई 14 तारीख को वहाँ से मतलब खा पी के चले हैं। रास्ते में कुछ मिला रास्ते में कुछ मिला नहीं है, तो मतलब फिर वो इसके लिए मतलब ये है।